अराउंड 2007 में मैं ट्रैक के लिए गया था कोकनकड़ा में. कोकनकड़ा बेसिकली एक 1800 फीट का रॉक पैच है और जैसे ही एज पे पहुंचा तो इतना डेप्थ मैंने पहली बार देखा था. मतलब महाराष्ट्र की सबसे बेहतरीन जगह यही है कि हर कोई ट्रेकर उधर जाना ही चाहता है. मैंने बोला रोहित सर ये क्लाइम करने वाले हो तुम? बोले हाँ. और उसका फेज भी राउंड करोगे तो ऊपर का 1000 फुट वो कंप्लीट राउंड है. सो आप क्लाइंबिंग करते हुए भी वो आपको ओवर हैंग कम्प्लीट उल्टा करते जाना है. मतलब वर्टिकल हाइट 800 फीट है लेकिन ये हाइट ऑलमोस्ट 1200 फीट होगा. ये हो ही नहीं सकता कि ये क्लाइंब करे कोई. लेकिन कोकनकड़ा क्लाइंब करना था क्योंकि जब भी आप कोकनकड़ा देखते हो तो वो जितना आप बोल सकते हो उतना मैं डरता हूँ. मतलब बेसिकली जो भी क्लाइंब करता है वो कोकनकड़ा देखता है तो सोचता ही है कि आज ना कल मुझे वो क्लाइंब करना. देयर इज आवर ड्रीम क्लाइंब कॉल्ड एज कोकनकड़ा. पहले आहेत समीर जोशी. समीर जोशी तुम्हाला कसं वाटतंय? रोहित और गणेश उनका इतना बॉन्डिंग अच्छा हो गया था क्लाइंबिंग में. सब तो जानते हैं मतलब पार्टनर्स इन क्लाइंब है वो. ऐसे दोस्ती मैंने अभी तक कभी फील्ड में तो नहीं देखी. वो दोनों का ट्रेनिंग बहुत सही है. वो दोनों रहेंगे तो उनको बाकी के टीम की जरूरत नहीं पड़ती. दोनों का ये ड्रीम था कि भाई कोकनकड़ा करना ही करना है. बोलते ना हम से टेक्निकल हम सेट थे, इक्विपमेंट वाइज सेट थे, टीम के साथ सेट थे, लेकिन क्लाइम करने के लिए उतना ही काफ़ी नहीं होता. नेचर वाइज भी चलना पड़ता है. एक रॉक फॉल, हनी बीज, हम फंस गए वहाँ पे और रेस्क्यू करना है, देन कौन करेगा रेस्क्यू, ये सभी चैलेंजेस थे. सो बेसिकली हमारा फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो बिकॉज ऑफ बीज, हनी बीज की वजह से हमारा फेलियर हो गया. मेंटल ब्लॉक था हमारे लिए कि हम लोग एक ही सर्टन लेवल तक जा रहे हैं और रिटर्न आ रहे हैं. बहुत लोगों को हमारे से एक्सपेक्टेशन थे कि ये कंप्लीट करेंगे, भरोसा था. तो हम लोग ने प्लान किया थर्ड टाइम कि भाई ये टाइम नहीं छोड़ना है. क्या चल फुल्ली एग्जॉस्ट में करा क्लाइम में ना करा मुस्करा ना करा. या दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आई न्यू कि उसके लिए वो समिट कितना इम्पोर्टेंट था. गणेश ने जो डिसीजन लिया था सब शाम बैठ के अरे क्या करने का भी डर लगने लगा कि ये भी अटेम्प्ट हमारा फेल हो रहा है क्योंकि हमारा जो मेन लीडर है वही गिव अप कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं. तो ड्रीम क्या होती है एक पार्टनर के बिना? वो तो सिर्फ दोनों का ड्रीम नहीं रहा, इसके बाद बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए. पर वो नाराज नाराज था कि मेरा हुआ नहीं, मैं कमजोर हो गया. पीपल वेर डाउटिंग अबाउट इज कैपेबिलिटी. बहुत डर गया, इतना डर गया कि मेरे को सब कन्विंस कर रहे हैं कि तू क्लाइंबिंग कर गणेश क्लाइंबिंग होगा. मैं बोला बस मेरे से क्लाइंबिंग नहीं होगा. तो उसके वजह से मेरे को ऐसा आ गया कि बस मैं लायक लायक नहीं हूँ, मैं फेल हूँ. This place is paradise. This place that.